सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट इज वीडियो नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इवन ये वो कंसेप्ट है, ये वो टॉपिक है जिसकी वजह से साइंस फील्ड के अंदर एक नई रिवोल्यूशन आ गई थी, एक रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी, एक हिसाब से क्रांति आ गई थी। अगर हम पूरी साइंस फील्ड के टॉप 20 एक्सपेरिमेंट को समराइज करें तो उन 20 टॉप 20 एक्सपेरिमेंट से ये भी एक एक्सपेरिमेंट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने ये किया था, फैराडे साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, डिस्कवर किया था। फैराडे ने कहा था कि नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री, सिमेट्री पसंद होती है। सिमेट्री मतलब कि अगर ए से बी बना है तो बी से ए भी बनेगा। मतलब हमने अभी हैंस क्रिश्चियन और एस्टेड ने आपको ये बताया था कि जिस वायर में से करंट फ्लो होता है उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और वायर के अंदर से करंट चल रहा है मींस कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। मतलब जहां कहीं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है। तो रिवर्स भी होना चाहिए। रिवर्स क्या होना चाहिए, अगर कहां कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर करंट भी बनना चाहिए। तो फैराडे ने कहा कि अगर हम मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को मूव कराएं तो वहां पर करंट भी बनेगा। नेचर लव सिमेट्री, सिमेट्री वर्ड समझ में आया। हैंस क्रिश्चियन और एस्टेड ने बताया था कि जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वहां करंट होता है, जहां करंट होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है। फैराडे ने इससे रिवर्स सोचा कि जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर करंट भी बनना चाहिए, क्योंकि सिमेट्री एग्जिस्ट करती है हमारे नेचर के अंदर। तो जल्दी से डेफिनेशन इसकी रीड कर लेते हैं। EMI की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड का मतलब होता है पैदा होना, नई चीज बनना, इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे इंडक्शन। तो द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर बाय मूविंग इट, किसको, वायर को, परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और वाई से वर्षा। जब हमारे पास मान लो ये एक वायर है, अभी तक हम करंट कैसे प्रोड्यूस करते थे इस वायर में, अगर मुझे करंट प्रोड्यूस करना है तो मैं क्या करता था, तो मैं इसमें वायर लगाता था और साथ में एक सेल लगा देता यहां पर, या सेल नहीं तो बैटरी लगा देता और सेल और बैटरी करंट दे देता था। क्यों, क्योंकि सेल और बैटरी के पास जो केमिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी। बट इस वायर में हमें कोई सेल या कोई बैटरी नहीं लगानी और इसमें हमें करंट प्रोड्यूस करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसने कहा आपको कुछ नहीं करना है, आप यहां पर एक पोल लगाओ नॉर्थ पोल और यहां पर लगाओ एक साउथ पोल, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप एक वायर लो और उस वायर में बल्ब लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, बल्ब, छोटा सा बल्ब लगा लीजिए, और इस वायर को उन दो मैग्नेट के बीच में परपेंडिकुलरली मूव कराओ, परपेंडिकुलरली मूव कराओ, तो आप क्या देखोगे, वो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो बिना सेल बैटरी के बल्ब ऑन हो गया, मतलब बल्ब कब ऑन होगा, जब करंट होगा, और करंट कब होगा, जब वोल्टेज होगी। वोल्टेज को ही हम EMF बोलते हैं, वोल्टेज को ही हम EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। करंट बिना वोल्टेज के नहीं हो सकता, जहां वोल्टेज होगी, जहां EMF होगा, वहीं पे करंट होगा। तो करंट बना, इसका मतलब EMF इंड्यूस हुआ है, बात समझ में आई। देखो सेल या बैटरी नहीं लगाया था, हमने क्या लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इन दो पोल का है, इस वायर का नहीं है। इस वायर में यहां पर मैंने बल्ब लगाया और इस वायर को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया परपेंडिकुलर, तो ये बल्ब ऑन हो गया। बल्ब ऑन क्यों हुआ, क्योंकि करंट था। करंट क्यों था, क्योंकि वोल्टेज होगी, तो जरूर कोई वोल्टेज इंड्यूस हुई है, जरूर कोई EMF इंड्यूस हुआ है, जरूर कोई करंट इंड्यूस हुआ है। और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, हालांकि जिस टाइम ये डिस्कवरी हुई थी तो इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, क्योंकि सब बोले क्या हो गया, करंट ही तो बना है, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन आज आप इमेजिन कीजिए, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। एक दिन के लिए, पूरे दो दिन के लिए भी अगर एक या दो दिन के लिए लाइट चली जाए तो हमारी लाइफ रुक सी जाती है, समझ में आ रही है ना बात। तो बिना सेल या बैटरी के करंट प्रोड्यूस किसने सिखाया था, फैराडे ने। यही होता है EMI, कि करंट का प्रोड्यूस होना एक वायर में, वायर को मूव करा के परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब हम किसी दूसरे मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड में हम वायर को मूव कराएंगे। आई होप ये आपको इतना डिस्कशन के बाद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है फैराडेज लॉ ऑफ EMI। फैराडे ने कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारा लैब में अपना वर्क किया, और उसके बाद उसने जो कुछ भी निकाला उसको 3 लॉ में कंक्लूड कर दिया। हालांकि कई बुक्स इन 3 लॉ को 2 लॉ में ही समराइज कर देती है, बट हम चाहे तो 3 भी बना सकते हैं, हम चाहे तो 2 भी बना सकते हैं।
सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। ये आपके पास एक कॉइल है, समझा रहे बात, वायर, ठीक है, और इस वायर के अगेंस्ट हमने क्या लगा लिया है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो छोटे से छोटा करंट मेजर करके देता है। आप कहोगे सर एमीटर क्यों नहीं लगाया, एमीटर लार्ज करंट को मेजर करता है, स्मॉल करंट को मेजर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये करंट सेल या बैटरी का तो है नहीं, ये करंट तो प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, तो ये बहुत कम होगा, माइक्रो एम्पियर में ये करंट होगा। और छोटे से करंट को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर, क्लियर। तो ये कॉइल रखी है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो ना तो हम इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जा रहे हैं, ना इससे दूर लेके जा रहे हैं, ना हम इस कॉइल को इस मैग्नेट की तरफ लेके जा रहे हैं, ना इससे दूर लेके जा रहे हैं। मीन्स कॉइल के बीच में और मैग्नेट के बीच में कोई मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। कैसा मोशन, रिलेटिव, मतलब कॉइल और मैग्नेट के बीच की डिस्टेंस कम ज्यादा होनी चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नेट मूव कर रहा है, कि कॉइल मूव कर रहा है, कि दोनों मूव कर रहा है, बस उनके बीच की डिस्टेंस कम या ज्यादा होनी चाहिए कोई भी मूव करे। तो ना तो अभी ये मूव कर रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो एट रेस्ट, और ये भी क्या है, एट रेस्ट कॉइल। तो हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर की सुई निडल जीरो पर रही है, मतलब कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ, यही फर्स्ट लॉ है। नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई मोशन नहीं होगी, तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। सेकेंड लॉ, द करंट या EMF is induced as long as there is relative motion between magnet and coil. EMF induced या करंट की बात करूं, मैंने बताया था करंट इंड्यूस हो गया, मतलब वोल्टेज इंड्यूस हो गया, क्योंकि वोल्टेज होगी तभी तो करंट होगा। तो इंड्यूस EMF तब तक ही होगा जब तक रिलेटिव मोशन होगी, रिलेटिव मोशन बंद EMF भी इंड्यूस होना बंद। देखो ये कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये मैग्नेट को मैं इसकी तरफ लेके आ रहा हूं, तो ये मैग्नेट जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगी। गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगी, मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है, बात समझ में आई। अब जरूरी नहीं कि मैं इसको इसकी तरफ लेके जाऊं, मैं अगर इसको इस साइड भी लेके जाता हूं तब भी करंट इंड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर गैल्वेनोमीटर, अगर मैं मैग्नेट को इस तरफ ले जाने से गैल्वेनोमीटर की सुई इस तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो जब मैं मैग्नेट को अपोजिट साइड लेके जाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल भी अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन शो करेगी। और ये पे कंपल्शन नहीं है कि आप इसी को मूव कराओ, आप इसको रेस्ट पे रख लो, कॉइल को इसकी तरफ ले आओ, या कॉइल को इससे दूर ले जाओ, आप ये भी नहीं करना चाहते, आप दोनों को ही मूव करा सकते हो, बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात और, आप इसको फास्ट लेके जाओगे तो गैल्वेनोमीटर की नीडल फास्ट डिफ्लेक्शन शो करेगी, आप इसको स्लो लेके जाओगे तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी स्लो मोशन करेगी, स्लो डिफ्लेक्शन शो करेगी। मोर ओवर आप ये कह सकते हो कि एक बार जब मैं इसको इससे दूर लेके गया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, अब मैं रुक जाता हूं कि अब तो बस ईएमएफ इंड्यूस हो गया और होता रहेगा, ऐसा नहीं है। जब तक ये मोशन ऐसे होती रहेगी तब तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। आप चाहे इस मैग्नेट को ले जाकर इसके अंदर ले जाकर रोक दोगे ना, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, यही सेकंड लॉ बोलता है। एज लॉन्ग एज, तब तक ही ईएमएफ इंड्यूस होगा जब तक रिलेटिव मोशन हो रही है, रिलेटिव मोशन बंद, ईएमएफ इंड्यूस होना भी बंद। और थर्ड लॉ, एक जो ईएमएफ बना है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ का सिंबल बना लिया हमने ई, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल होता है ये। रेट वर्ड में पहले भी मैं बता चुका हूं, फिजिक्स में रेट वर्ड जब भी आता है तो डिनोमिनेटर में टी होता है, डिनोमिनेटर में टाइम होता है। तो देखो टी रहा, ये डी क्यों लगाया, डी का मतलब है कि डी टी का मतलब है टाइम चेंज हो रहा है, टी का मतलब सिर्फ टी लिखा है तो टाइम, डी टी लिखा है तो चेंज इन टाइम। सिमिलरली ये जो फाइव मैंने सिंबल बनाया ऐसे जीरो बनाकर और इसमें ऐसे लाइन लगा दो, ये सिंबल होता है फ्लक्स का, ये सिंबल किसका होता है, फ्लक्स का। और डी फाइव लिखा तो चेंज इन फ्लक्स, तो ऊपर क्या है न्यूमरेटर में चेंज इन फ्लक्स, डिनोमिनेटर में क्या है चेंज इन टाइम, तो ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब टाइम के साथ जितना फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ भी रिड्यूस उतना ही होगा। अब हमें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहां से हटाना होता है, रिमूव करना होता है, इक्वल का साइन लगता है, साथ में लगता है कांस्टेंट, तो यहां पे कांस्टेंट लगा है वन, इक्वल का साइन लग गया, लेकिन एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ गया। ये नेगेटिव साइन किसकी वजह से आया, ये नेगेटिव साइन लेंज़ लॉ की वजह से आया, और ये जो फाई है ये फ्लक्स है,
फ्लक्स जो है वो वेक्टर सॉरी फ्लक्स जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो इसकी एसआई यूनिट वेबर होती है। मैं इस वीडियो 6 के सेकंड पार्ट में आपको लेंजेस ला और फ्लक्स को ही कंप्लीट डिटेल कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बस मैं समराइज ध्यान से कर रहा हूं, ध्यान से समझ लो। लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब बिना सेल या बिना बैटरी के सिर्फ वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करा के करंट इंड्यूस करना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने डिस्कवर किया था, उसने कहा था सिमेट्री एग्जिस्ट करती है नेचर में, अगर इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट के चलने की वजह से करंट भी बनेगा। बात समझ में आ रही है? अगर इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेट के चलने की वजह से करंट भी बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। उसने ये तीन ला दिए थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लेंजेस लॉ और फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।